जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया आज आपके साथ MGKBP MA साइकोलॉजी 2022 का जो एंट्रेंस पेपर है उसका जो है हम लोग आज यहाँ पर पूरा सोल्यूशन करके देखने वाले हैं। आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि पैटर्न आप सभी लोगों को पता होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक प्रश्न 400 नंबर का रहता है, 400 नंबर का ओवरऑल आपका पेपर रहता है। ये तो कुछ बात रही बेसिक, जो आपको जब आप वहाँ हॉल में जाएंगे तो आपको ये दे दिया जाएगा बुकलेट, इसमें आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी जो है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही किए गए हैं। हालांकि इसमें हो सकता है कि एक से दो प्रश्न, क्योंकि देखिए ऑफिशियल आंसर के में भी कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो आपको कई बच्चों को लगता है कि नहीं सही है, लेकिन अब डिपार्टमेंट उस चीज़ को नहीं मानता है। तो एक दो मान लीजिए क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बट इसमें आप 98% की श्योरिटी लेकर चल सकते हैं कि भाई 98% क्वेश्चन आपके सही सही हैं। वो आप पढ़ते हैं तो आपको खुद भी पता लग जाता है। ठीक, उसके बाद अपने लेवल पर भी मैंने इन क्वेश्चन को रीचेक किया है तो सारे क्वेश्चन सही हैं। तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, पूरी तरीके से विश्वास करके वीडियो को देख सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम पढ़ने के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन पर भी फोकस करेंगे कि वैसे या उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो हम कैसे याद करेंगे। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट। भले आप एंट्रेंस पेपर दे रहे हैं तो क्या इसके ऊपर हम इस वीडियो में विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इसके पहले 2020 का पेपर, 2021 का पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ मनोविज्ञान के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये वीडियो जो है, इन तीनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। कोई भी आप पेपर देने जाते हैं, चाहे आप CUET का देने जाएं, क्वेश्चन एज इट इज़ रहते हैं, अलग नहीं रहता है। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज का पेपर 2022 का है तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के साथ ही आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जो पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर बस इधर उधर है, बाकी टोटल क्वेश्चन हैं आपके। सबसे पहला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति दुखद अनुभूति से मुक्ति पाने के लिए रोने लगता है तब उसके व्यवहार में क्या सम्मिलित होता है। When a person weeps to get relief, this behavior involves, अर्थात कि जैसे मान लीजिए कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें होती हैं जो हमें हर्ट करती हैं, अब उस चीज़ को दुखी हैं आप, उस चीज़ को दूर करने के लिए आपने क्या किया, आपने रो दिया, तो ये बिहेवियर क्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर तो वैसे तो रिग्रेशन है, लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन क्या होता है, आपका फ्लाइट टू चाइल्डहुड, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसको फ्लाइट टू मतलब बचपन की ओर जाना। ठीक, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े होने पर भी अंगूठा चूसने से छोटे बच्चे करते हैं, तो ये रिग्रेशन में आता है। ठीक, बट क्षतिपूर्ति क्या हो रही है यहाँ पर, अब उसको समझने की कोशिश करिए। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सब क्या है पहले तो ये समझना है, ये सब आपके ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जो फ्रायड द्वारा दिया गया है। मतलब कि व्यक्ति के जीवन में आम दिन में जो होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एक इनडायरेक्ट तरीके से क्या करते हैं, टैकल करने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं, यही वो तरीके होते हैं। तो क्षतिपूर्ति आप कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया घर में, आप उसको बोल नहीं सकते, आप उसको कह नहीं सकते, तो आप खुद ही रो लेते हो और इससे आपका मन हल्का हो जाता है। तो ये आपने क्या किया, कॉम्पेंसेट कर दिया। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कॉम्पेंसेशन ही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, तो आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये क्या है, आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लीजिए। Which learning is Gagne learning hierarchy is related to Pavlov conditioning theory? तो जो आपके गैंगने हैं इनकी लर्निंग हायरार्की थियरी, इनकी लर्निंग हायरार्की थियरी में कह रहा है कि जो पैवलव का सिद्धांत था जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं, वो सिद्धांत में इनसे क्या रिलेट करता है, तो जो सिग्नल लर्निंग है वो रिलेट करता है संकेत अधिगम। जैसे आपने देखा कि जो पैवलव है, जो उन्होंने जिस कुत्ते के ऊपर किया था तो उस कुत्ते को क्या था, संकेत दिया जाता था ना, घंटी बजाई जाती थी तभी तो सलाइवेशन हो रहा था, इसी कारण से ये इसका सही आंसर क्या होगा, सिग्नल लर्निंग। ठीक, हु प्रपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये दिया है अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने। मेंटल, ये जो IQ है पूरा,
इससे बहुत क्वेश्चन आता है। पहला चीज़ कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एक बार मैं यहाँ आपको सारा डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, पूरा के पूरा अगर हम बात करें विलियम स्टर्नर ने दिया है। उसमें एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 है, तो मेंटल एज का किसने दिया है, तो मेंटल एज का बिने ने दिया है। अगर पूरे फॉर्मूले की बात करें कि जब आईक्यू इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 मिला देंगे, तो ये किसने दिया है, टर्मन ने। किसने दिया है, टर्मन ने। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग, बस इसका टाइप बदल देता है। पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, बिने ने किया। कब किया, 1905 में किया। ठीक, हु यूज्ड फर्स्ट यूज द टर्म मेंटल टेस्ट, ध्यान से थोड़ा सा करिएगा। देखिए बस यहाँ पर क्या है, मेंटल एज, और यहाँ पर क्या है, मेंटल टेस्ट, मतलब कि मानसिक आयु और मानसिक परीक्षण। अगर आयु कह रहा है तो बिने होगा, परीक्षण कहेगा तो कैटल होगा, रेमंड बर्नार्ड कैटल, आरबी कैटल, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है, अनुक्रिया, अनुक्रिया थोड़ा ये ब्लर है हिंदी वाला, ये असल में फोटोकॉपी जो किया है उसने ही थोड़ा ऐसा कर दिया है। तो व्हाट इज रिस्पॉन्स, मैं फिर भी पढ़ दे रही हूँ। देखिए, अनुक्रिया क्या है, एक गतिविधि है, एक प्रतिमा है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स आपकी एक जो है एक्टिविटी होती है, एक गतिविधि होती है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज करेगा कि सी ऑप्शन, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, तो आप कहेंगे उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया ही तो रिस्पॉन्स हम पढ़ते हैं। देखिए ये सही है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे हेलुसिनेशन जैसे केसेस में कोई उद्दीपक नहीं होता है, फिर भी आप उसको एज्यूम करते हैं ना, रिस्पॉन्स करते हैं ना उसके ऊपर। इसीलिए उद्दीपक एक क्रिया है, एक क्या है, क्रिया है, एक एक्टिविटी है, जो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर उद्दीपक मौजूद हो तभी आप रिस्पॉन्ड करें। एन ऑब्जेक्ट इज़ परसीव्ड एज अ होल, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप परसीव करते हैं एज अ होल। जैसे कि अगर आप किसी का फेस देखते हैं, तो उसका फेस ऐसा नहीं कि आप उसके फेस में पहले नाक देखेंगे, फिर एक एक करके आँख देखेंगे, पहली लेफ्ट आई देखेंगे, फिर राइट देखेंगे, ऐसा नहीं। आप उसके पूरे के पूरे फेस को देखते हैं कि कैसा है, ऐसे ही देखते हैं ना। तो बस याद रखिएगा ये किसका मानना है, एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड एज अ होल, तो ये कहना है कोहलर और कोफ का। कौन है ये लोग, ये लोग जिस्टाल्टवादी हैं। कौन है भाई, जिस्टाल्टवादी हैं। जिस्टाल्ट का ही कहना है कि वी परसीव द वर्ल्ड एज अ होल, हम किसी भी वर्ल्ड जो चीज़ें होती हैं उसको पूरे संपूर्णता में देखते हैं, ना कि हाफ ऑफ पार्ट्स में। क्लियर, इन कंडीशन एक्सपेरिमेंट ऑफ पैवलव व्हाट वाज द डॉग गिवन बिफोर फूड, खाने के पहले पैवलव के केस में कुत्ते को क्या दिया जाता था, बेल। क्यों, क्योंकि बेल बजाने के बाद ही उसको खाना मिलता था, ताकि उसकी कंडीशनिंग हो जाए किसके साथ, बेल के साथ। क्लियर है, सही ऑप्शन नंबर बी। स्किनर टू इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग एज, जैसे स्किनर ने दिया है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, वैसे ही बेंड्यूरा ने क्या दिया है, तो बेंड्यूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, जिसको हम सोशल लर्निंग कहेंगे। ठीक है, स्किनर का नैमितिक अनुबंधन वही संबंध है जो बेंड्यूरा का सामाजिक अधिगम से है। संवेग में साइकोगैल्विक अनुक्रिया का मापन, साइकोगैल्विक रिस्पॉन्स इन इमोशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो GSR से मेजर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी, GSR। GSR का फुल फॉर्म क्या है, गैल्विक स्किन रिस्पॉन्स। क्या है, गैल्विक स्किन रिस्पॉन्स। ठीक है, इससे ही हम जो है क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं इमोशंस को। ठीक है, नेक्स्ट द आईक्यू बिलो 70 इज़ एन इंडिकेशन ऑफ, देखिए कुछ का है, एक दो का बता देती हूँ, सबका ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 से 70 के बीच में कह रहा है तो ये MRC होते हैं, MRC मतलब मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं। अगर 90 से 109 या 110 कह दिया तो ये आपके नॉर्मल होते हैं, 120 के ऊपर कह दिया तो ये आपके बहुत अच्छे बच्चे, 140 के ऊपर तो भाई आपके गिफ्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो टेबल सबकी अलग अलग है, लेकिन ये आपको याद रखना, 50 से 70 मेंटली रिटार्डेड, 90 से 109 या 110 ये एवरेज हैं। क्लियर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द हाईएस्ट नीड एज्यूम्ड इन मैस्लो हायरार्की थियरी, क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर देगा, बस पढ़ने के ऊपर है। हाईएस्ट बोला है तो आपने पढ़ा होगा मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत, ये भी कई बार पूछ देगा भाई मैस्लो का सिद्धांत का नाम क्या है, तो पदानुक्रम सिद्धांत या नीड हायरार्की थियरी। सबसे ऊंची अवस्था पूछा है, आपने इस प्रकार के ट्राइंगल में पढ़ा होगा ना।
यहाँ आपसे इसको पूछा है, तो ये आपका मेटा पोटेंशियल या जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं, जहाँ पर बहुत ही रेयर लोग पहुँच पाते हैं। मतलब जब आपको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप उस अकॉर्डिंग वर्क कर पाते हैं तब। कभी कभी ना जो ये आपका पहला पूछा ना, उच्चतम अवस्था निम्नतम पूछ देता है, तो निम्नतम में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैहिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो इसका होता है। ये दो पूछता है, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, उच्चतम पूछा है कि न्यूनतम पूछा है, ठीक है। प्राणी उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया SOR किस उपागम का आधार है, SOR क्या है, पहले तो ये समझिए। SOR पहले स्टिमुलस था और रिस्पॉन्स था, बाद में कहा गया कि भाई जो स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्स है, लेकिन सबका एक जैसा तो है नहीं। अगर कोई जो है आप देखेंगे किसी एक ही चीज़ के ऊपर सबका रिएक्शन सेम नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें बीच में है ना, तो वो बीच में लाया गया ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि ये प्राणी प्राणी पे डिपेंड करता है, कोई उसी जो है रस्सी को देख के डर जाता है, कोई नहीं डरता है, कोई सांप समझ के भी जो है नहीं डरता है, कोई उसको देख के भाग जाता है। तो ये कैसे समझ में आ रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये SOR थियरी है और ये बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादियों का सिद्धांत है, ठीक है। किसका सिद्धांत है, व्यवहारवादियों का। SR थियरी वुडवर्थ ने दिया था, जबकि SOR को वॉटसन ने, ठीक है। वन ऑफ द थॉर्नडाइक थ्री मेन रूल्स ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, रूल ऑफ लर्निंग थ्री मेन, या फिर प्राइमरी लॉ जिसको हम कहते हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम तीन मुख्य नियमों में से एक नहीं है, तो कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तीन ही प्राइमरी हैं, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत, तीन ही मुख्य हैं। तो बचा कौन, अनुरूपता, एनालॉगी। एनालॉगी कोई सिद्धांत नहीं है थॉर्नडाइक में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा ही नॉट है। वॉट इज़ द रेंज ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस, अभी मैंने आपको पीछे बताया नॉर्मल इंटेलिजेंस या जिसको हम एवरेज कहते हैं, 90 से 109, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाई, सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया है, तो सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय देने वाले हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन है, ये वही थॉर्नडाइक है जिन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, ये वही थॉर्नडाइक है जिनकी थियरी का नाम ट्रायल एंड एरर थियरी है, याद रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। अगर यही आपसे बोल दे इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर EQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आप बता पाएंगे, चलिए मैं बता देती हूँ। इमोशनल की बात करेगा तो यहाँ पर डैनियल गोलमैन का नाम आता है, किसका आता है भाई, डैनियल गोलमैन का नाम यहाँ पर सामने आता है EQ के केस में, और सोशल इंटेलिजेंस की बात करेगा तो थॉर्नडाइक। कैटल ने व्यक्तित्व के कितने शील गुणों को मुख्य बताया है, तो 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट ही है कैटल का, तो 16 मेजर ट्रेट के बारे में बताया है RB कैटल ने। Which of the following is not a part of GSR, galvanic skin response, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। Of the physiological determinants, physiological determinants कौन नहीं है, पेशीय क्रियाएं या फिर रक्त संचालन की संबंध क्रियाएं, पसीना ग्रंथियों से संबद्ध क्रियाएं या मस्तिष्क की क्रियाएं, तो मेनली तो स्वेट ग्लैंड, जो आपका GSR स्किन जो आपका है रिस्पॉन्स, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, उसमें मेनली तो हम स्वेट ग्लैंड्स को ही देखते हैं, इसका सही आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ब्लड जो सर्कुलेशन है इंटरनल हम नहीं देखते हैं। साइकोलॉजी का जन्म कहाँ से हुआ है, साइकोलॉजी के पहले इसको माना जाता था फिलॉसफी, दर्शन की एक उसके रूप में माना जाता था, बाद में साइकोलॉजी एक अलग ब्रांच के रूप में आया, तो पहले ये फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर डिवाइज्ड बाय एबिंगहॉस टू स्टडी मेमोरी, अगर आपसे कभी भी फॉरगेटिंग कर्व की बात करें, लर्निंग कर्व की बात करें, तो एबिंगहॉस एक प्रोमिनेंट नाम है, याद रखेंगे। यहाँ कह रहा है कि भाई स्मृति का अध्ययन करने के लिए एबिंगहॉस ने किस प्रकार के शब्दों का निर्माण किया था, तो उसको कहते हैं नॉनसेंस सलाइबल, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, एक मिनट ध्यान लीजिए, इसमें भी आपके कई तरह के होते हैं, CVC, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, मतलब जैसे आपने यहाँ X लिख दिया, यहाँ पे O लिख दिया और यहाँ पे आपने कोई Z लिख दिया, तो ये क्या है, एक दो कॉन्सोनेंट और बीच में एक वोवेल, तो ये सब जैसे XOZ ATM, जिसका कोई मतलब जल्दी आपको याद ना हो, ये नॉनसेंस सलाइबल होते हैं। इसी प्रकार CCC होता है, VVC होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के इन्होंने दिया है, तो ये आपको याद रखना, निरर्थक शब्दों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था। निम्न अधिगम विकार के कारण पढ़ने में कठिनाई,
धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता हो, चाहे लिखा हो पढ़ने में कठिनाई, इसका एक ही उत्तर है, वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अगर गणित में कह दे कठिनाई हो रहा है गणित के सॉल्व करने में, तो ये आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया में कैलकुलेशन छिपा हुआ है, तो उसी से याद रखेंगे। मोड, मोड क्या होता है? सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इज मोड। एम से मोड, एम से मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। ठीक है, अगर नंबर में दे दे कि भाई बताइए कि आपका, अगर नंबर में दे दे और आपसे कहे कि भाई बताइए मोड कैसे निकलेगा, तो अगर मान लीजिए आपको 2, 3, 5, 5, 3, 3 और 2 लिखा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। मोस्ट फ्रिक्वेंट, यही आपका हो जाएगा क्या? मोड। इसके साथ अगर आपको मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन के लिए जैसे अगर आपको मान लीजिए कि 7 कोई भी वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं 2, 3, 6, 8, 5, मान लीजिए इसी का मोड निकालना है, तो ये नहीं कि बीच में तो 6 है तुरंत 6 का निकाल दिया, नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक में करेंगे। जैसे पहले इसको बस आप असेंडिंग में कर दीजिए, 2, 3, 5, 6, 8। अब ये 5 है, 2 इधर गए, 2 इधर, बीचों बीच कौन है? 5 है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मीन निकालना हो, तो जैसे मान लीजिए वही हमको वैल्यू दी होती कि इसका मीन निकालिए, 2, 3, 7, 9, 11 मीन निकालिए, तो बस आपको 2+3+ सबको जोड़ करके और जितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, मतलब एवरेज जैसे आप निकालते हैं, बस आप ये निकाल देंगे, मीन आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो इतने इस लेवल पे आपको इतना ही करना, और ये इतना ही इजी से क्वेश्चन भी आता है। Who among the following is not associated with gestaltic approach? Gestaltic approach के साथ कौन नहीं है? तो देखिए कोफका इसके कौन है भाई? फाउंडर है। कोहलर और वर्दाइमर इसके को फाउंडर हैं। हल जो है इनका जो है रेनफोर्समेंट थियरी है हल का, बट ये गेस्टाल्टवादी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये बिहेवियरिस्ट में आते हैं, गेस्टाल्टवादी नहीं है। गेस्टाल्ट में कोहलर, कोफका, वर्दाइमर, तीन नाम याद रखना है। थियरी इनकी कौन सी थी? इनसाइट थियरी, सूझ का सिद्धांत। क्या थी? इनसाइट थियरी, सूझ का सिद्धांत। ठीक, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, हमेशा मैं बताती हूँ, एल्बर्ट बेंड्यूरा। कौन होगा भाई? एल्बर्ट बेंड्यूरा। इन्होंने ही बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबो डॉल प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? एल्बर्ट बेंड्यूरा। वही एल्बर्ट बेंड्यूरा जिनकी थियरी का नाम है सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, इसके अलावा प्याजे की बात करें, तो प्याजे की थियरी आपका क्या है? कॉग्निटिव थियरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। एरिक एरिक्सन की बात करें, तो मनोसामाजिक सिद्धांत इनकी थियरी का नाम है, 8 स्टेज दिया था। कोहलबर्ग की बात करें, तो ये मोरालिटी थियरी से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव हेंस डेलिमा? भाई हेंस डेलिमा मोरालिटी के अंदर ये बहुत फेमस इनका ये डेलिमा है, जो दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक, नेक्स्ट है द 3D मॉडल कंटेन। 3D मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो 3D मॉडल पहले तो ये जान लीजिए दिया किसके द्वारा गया है। 3D मॉडल वॉज गिवन बाई गिलफोर्ड। किसके द्वारा है? गिलफोर्ड। अब इसमें कुछ गिलफोर्ड के उस 3D मॉडल में, 3D का मतलब क्या होता है? 3-dimensional, तीन बीमा होंगे। तो इसको हम याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। 3D मॉडल जैसे क्वेश्चन पूछा है, COP, कंटेंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता था वो प्रोडक्ट में आता था। ठीक, और टोटल 180 इसमें अभी एट प्रेजेंट जो है आपके नंबर्स हैं। पहले स्टार्टिंग में 120 थे, फिर 180 एट प्रेजेंट में है। तो 3D मॉडल गिवन बाय गिलफोर्ड, इसके अंतर्गत हम COP की बात करते हैं, कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। मल्टी फैक्टर थियरी किसके साथ संबंधित है? तो मल्टी फैक्टर थियरी किसके साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी इंटेलिजेंस के साथ। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है मल्टी फैक्टर थियरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि इंटेलिजेंस की थियरी में काफ़ी सारा है। तो थर्स्टन और थॉर्नडाइक में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर इंटेलिजेंस है, बिल्कुल ये श्योर है। ठीक, भाटिया बैटरी इज़ यूज्ड फॉर, तो भाटिया की जो बैटरी का यूज़ हम करते हैं वो भी बुद्धि को मापने के लिए करते हैं, इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए ही करते हैं। क्लियर है? तो ये बुद्धि से संबंधित है। इसी के साथ भाटिया बैटरी से कुछ और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, कि सबसे पहले एक और प्रश्न पूछता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है, कौन क्रिएटर है? तो याद रखिएगा, CM भाटिया उनका नाम है। क्या नाम है?
सीएम भाटिया, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एक्स्ट्रा में है, जो आपको याद रखना है, पेपर में आता है। सीएम भाटिया, पूरा नाम पूछे तो चंद्रमोहन भाटिया, क्या नाम है? चंद्रमोहन भाटिया। कभी कभी ये भी पूछता है कि जो भाटिया बैटरी है, जो कि आपके बुद्धि का मापन कर रही है, जो कि बनाया गया है सीएम भाटिया द्वारा, उसके कितने उप परीक्षण हैं, सब टेस्ट कितने हैं? तो 5। कितने हैं? 5। ये भी तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 89। वॉट इज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अब आप स्वयं से सोचिए कि आत्म केंद्रित का मतलब जो व्यक्ति खुद के बारे में ही सोचे, तो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट जो सोशली बहुत घुले मिले होते हैं, जो बाहर के ज़्यादा दुनिया से मतलब रखते हैं। एम्बीवर्ट जिनके पास दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सोशल सामाजिक है, तो भाई वो सेल्फ सेंटर्ड तो होगा ही नहीं। तो बचा कौन? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो थोड़े शाई नेचर के होते हैं, शर्मिले होते हैं, किसी से उतना बातचीत नहीं करते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड माने जाते हैं। पर्सनालिटी शब्द कहाँ से निकला है भाई? तो टर्म पर्सनालिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसोना विच मीन्स मास्क। पूरा याद रखिए, पर्सनालिटी शब्द कहाँ से निकला है? द टर्म पर्सनालिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसोना विच मीन्स मास्क, जिसका मतलब क्या होता है? मुखौटा, मास्क, ठीक, जो कोविड के टाइम में आप लोगों ने लगाया था, तो वो तो आधा मास्क था, ये पूरे मास्क की बात करता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। आईक्यू का फॉर्मूला दिया है बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। ऊपर कौन रहेगा? मम्मी रहेंगी, तो माँ एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, इसमें नहीं दिख रहा है, मैं लिख दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज क्या है? मानसिक आयु। क्रॉनिकल एज क्या है? आपका डेट ऑफ बर्थ मल्टीप्लाई बाई 100। एम ए का कॉन्सेप्ट किसने दिया है भाई? बिने ने दिया है, ठीक, किसने दिया है? बिने ने दिया है, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। अगर पूरा ये फॉर्मूला किसने दिया है? तो टर्मन ने दिया है। बार बार बता रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो और आप अच्छे से एग्जाम में करके आएँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे मुख्य अंग कौन सा होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? आज के टाइम में आपको पता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो देखिए, वैसे तो टीचर भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्कूल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक को चुनना हो तो आप बच्चे को चुनेंगे, मतलब स्वयं को चुनेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? लिप्ज़िग विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ 3-4 फैक्ट है जो आपको लाइन से याद करना, जैसे अभी हमने भाटिया का देखा ना कि सीएम भाटिया द्वारा निर्माण किया गया था, 5 उसके उप परीक्षण थे, और एक जो आपका क्वेश्चन आज पूछा था कि भाई भाटिया जो परीक्षण है, जो क्वेश्चन था वो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है अभी, कि भाटिया से कौन सा अभी प्रश्न हमारा पूछा था, हाँ इंटेलिजेंस, बुद्धि से संबंधित था, ठीक, और सीएम भाटिया द्वारा किया गया था और इसके 5 उप परीक्षण हैं। ऐसे ही एक ऐसा प्रश्न है जो लिप्ज़िग विश्वविद्यालय, कैसे आप याद रखेंगे? तो पहली लेबोरेटरी जो है 1879 में विलहेल्म वुंट द्वारा खोली गई थी लिप्ज़िग में। लिप्ज़िग कहाँ पे? अगर देखिए नाम दे दे तो जर्मनी में, कहाँ पर है? जर्मनी में खोली गई थी, क्लियर। भारत में कहा तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में सबसे पहली बार साइकोलॉजी जो है वो लैब जो है वो बनाई गई थी 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, क्लियर है। हु वॉट इज इट कॉल्ड वैन द रेट ऑफ लर्निंग कॉन्सिडरेबली डिमिनिशेस, जब अधिगम का स्तर उल्लेखनीय दर से घट जाता है तो उसे क्या कहेंगे? थकान कहेंगे। तो देखिए, अगर आपका अधिगम का स्तर घट रहा है तो थकान का प्रभाव 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, ठीक, किंतु अगर आप किसी अधिगम के स्तर की बात करें तो वो काफ़ी दिनों का है। आप प्रभावशीलता, इनएफेक्टिवनेस या फिर नीरसता, मोनोटोनी, ऐसा होता है कई बार मोनोटोनी की वजह से कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जब एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आगे का कॉन्सेप्ट भी उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डल होने लगता है, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाने को किस श्रेणी का अवधान कहेंगे? अ पेशेंट बीइंग अटेंटिव टू अ मेडिकल स्टोर, क्यों है? क्योंकि उसको दवा की ज़रूरत है। अगर उसको सर में दर्द है तो वो तुरंत मेडिकल, क्या उसका बाकी जगह ध्यान ही नहीं जाएगा, उसको सिर्फ ध्यान जाएगा मेडिकल पे। जैसे आपको अगर एंट्रेंस का पेपर अच्छा करना है तो आपका ध्यान सिर्फ उसी पर ही जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो आपका ऐच्छिक अवधान है, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है, लेकिन आप वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि आपकी ज़रूरत है, तो ये वॉलेंट्री है। हैबिचुअल का मतलब क्या होता? कि उसको चाहे काम है या नहीं है, उसका ध्यान ही वही है। इनवॉलेंट्री की वो चाह नहीं रहा है फिर भी वो ध्यान जा रहा है, ऐसा नहीं, और अस्थिर भी नहीं है। ये किस वजह से होगा? ऐच्छिक अवधान की वजह से, ठीक, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्रिएटिविटी,
सृजनात्मकता, सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है, वो एक उत्पाद भी है और एक योग्यता भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही है। क्रिएटिव पीपल कैसे होते हैं भाई? क्रिएटिव पीपल इनोवेटिव होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते, सोशल भी कभी कभी नहीं होते हैं, लिबरल भी नहीं होते हैं, ठीक है, इनोवेटिव होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, ठीक। फादर ऑफ क्रिएटिविटी ईपी टॉरेंस, फादर ऑफ क्रिएटिविटी ईपी टॉरेंस, गिलफोर्ड नहीं होगा, टॉरेंस होगा, ठीक है, फादर ऑफ क्रिएटिविटी ईपी टॉरेंस। देखिए क्रिएटिविटी के फील्ड में गिलफोर्ड ने अच्छा काम किया है, जो हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ते हैं वो गिलफोर्ड ने ही दिया, किंतु फादर नहीं है ये, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिविटी हम ईपी टॉरेंस को मानते हैं। निम्न में से व्यक्तित्व के किस सिद्धांत का निर्माण कैटल के 16 PF अनुसूची का आधार है? तो कैटल का 16 PF है, समझ में आया, पर्सनालिटी को जानने के लिए करता है, मुख्य 16 ट्रेट के बारे में। ये आपका शील गुड सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है भाई? ट्रेट थियरी, शील गुड सिद्धांत। साइको एनालिसिस की बात करें तो ये फ्राइड में चला जाएगा। टाइप थियरी जो शेल्डन, क्रशमर, आइजिंक, इनका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं की बात ही नहीं हो रही है, शील गुड सिद्धांत आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच of the following is the base of memory? तो memory का base psychological होता है, क्या होता है? psychological, ठीक। Which of the following first subject matter of psychology? सबसे पहला subject matter psychology का क्या था, ठीक। सबसे पहले हम मानते हैं psychology क्या थी आपकी, psycho plus logos। आप देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं कि psychology को जब पहले हम break करते हैं तो psycho एक में आता है और logos अलग आता है। logos का मतलब तो study, psycho का मतलब होता है soul, तो study of soul, तो पहले उसका जो subject matter था वो soul ही था, ठीक। फिर माइंड आया और फिर लास्ट में बिहेवियरिज्म। पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं, फिर फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं, फिर बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं। STM शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी पूछा है, तो 5 से 9 आइटम आपके STM में जो है स्टोर रह सकते हैं एट अ टाइम। इन वर्बल लर्निंग विच मेथड इज़ यूज टू लर्न इट्स मटेरियल फास्टेस्ट? तो पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। अगर आपको वर्बल लर्निंग में करना है तो आप अगर चीज़ों को पेयर कर करके पढ़ेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी, ठीक है। यही रीज़न है कि जब मैं आपको बता रही हूँ तो एक साथ मैं आपको कई सारी चीज़ें रिलेट कर रही हूँ, ताकि वो फिर जब आप याद करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से याद आ जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। 75 किसी भी वस्तु को समय रूप से प्रत्यक्षित करना क्या करना विचार है? किस चीज़ का विचार है भाई? टू परसीव एन ऑब्जेक्ट एज अ होल, समग्र रूप से। जब भी समग्रता की बात आएगी, होलनेस की बात आएगी, कंप्लीट की बात आएगी, तो हमेशा गेस्टाल्ट का नाम सबसे पहले आएगा, ठीक। तो गेस्टाल्टवादी, हिंदी में गेस्टाल्ट, इंग्लिश में कुछ लोग गेस्टाल्ट भी पढ़ते हैं, कुछ लोग गेस्टाल्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो आपके गेस्टाल्टवादी हैं ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रत्यक्षीकरण का नियम नहीं है? लॉ ऑफ परसेप्शन। तो देखिए लॉ ऑफ परसेप्शन में काफ़ी सारे आपके लॉ आते हैं। लॉ ऑफ फिगर एंड बैकग्राउंड आता है, लॉ ऑफ कोहेसिव फोर्स, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, इस प्रकार से लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत सारे लॉ आते हैं, बट लॉ ऑफ एक्सरसाइज नहीं है। ये किसका लॉ है? ये थॉर्नडाइक का है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो पेपर बनाने वाले होते हैं, अब लॉ इनको दो ही मिलता ही है, एक थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ उठा लेंगे ये लोग, नहीं तो यहाँ से लॉ ऑफ परसेप्शन उठा लेंगे। देखिए इन केस अगर आपको पूरा परसेप्शन का लॉ नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, थॉर्नडाइक के सिर्फ 3 प्राइमरी मुख्य नियम याद कर लीजिए, और इसमें से आप देखेंगे कि ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज थॉर्नडाइक का ही नियम, बस उसको अलग कर दीजिए, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। कभी ये लोग रेडीनेस डाल देंगे, कभी एक्सरसाइज डाल देंगे, कभी इफेक्ट डाल देंगे, तो 3 याद करिए और बाकी को अलग कर दीजिए, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज डेवलप्ड बाई, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है भाई? तो ये देने का काम किया है स्टर्न ने। किसने किया है? स्टर्न, विलियम स्टर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एग्जर्ट मोर कंट्रोल ओवर इमोशन, संवेगों के ऊपर अधिक कंट्रोल? हाइपोथैलेमस का होता है। किसका होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है, याद रखेंगे। टू मोटिवेट सब्जेक्ट थ्रू वर्बल लर्निंग, इसमें से कौन सा मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं? शाब्दिक अधिगम के में किस विधि का उपयोग हम प्रयोज्य को प्रेरित करने में नहीं करते हैं? एंग्जाइटी डिप्राइवेशन पनिशमेंट रिवॉर्ड, एंग्जाइटी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको एंग्जाइटी नहीं देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को हम कंक्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं, मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। किसको? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को, ठीक है, जो आपका व्यवहारिक बुद्धि है उसको।
बुद्धि पर जन्म क्रम का प्रभाव किस कारण के महत्व को इंगित करता है? तो अगर बुद्धि पर क्या हो रहा है, अगर जन्म क्रम का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये पर्यावरण को इंगित कर रहा है कि जो पर्यावरण में होने वाला चेंज है। अगर आप इसको डिकेड में देखेंगे, मतलब दशकों में देखेंगे, तो इसी को फ्लीन इफेक्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम इसको? फ्लीन इफेक्ट नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? फ्लीन इफेक्ट। जब हम इसको दशकों में देखेंगे, तो ये किसका इफेक्ट होता है? ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, जो इंटेलिजेंस का बढ़ना होता है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो 10-11 आपके स्टेप होते हैं। सबसे पहला एम है, फिर आपका हाइपोथेसिस है। एम प्रॉब्लम एक ही बात है, ठीक? एम है या प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस हो गया, फिर डिजाइन बनाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग स्टेप है, लेकिन रिजल्ट टेबल जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। What is the age indicating the beginning of decline of intelligence? किस उम्र से माना जाता है कि उसमें से आपकी बुद्धि धीरे धीरे घटने लगती है? तो वो एज होती है 50+। 50+ के ऊपर धीरे धीरे एज क्या होती है? हमारी कम होने लगती है। Which of the following is necessary for memory? सीखने के लिए, स्मृति के लिए क्या ज़रूरी है? तो स्मृति के लिए एक तो आप निरंतर नई चीज़ों को सीखें, और जो पीछे सीखे हैं उसको आपको धारण भी तो करना है ना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है सीखना और धारण करना, लर्निंग एंड रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्वालिटी ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी क्या विशेषता होगी? तो उसकी विशेषता होगी कि वो चिंता रहित होगा, सामंजस्य स्थापित कर लेगा, आत्मसम्मान होगा, ये सभी चीज़ें। तो ऑल ऑफ दीज, ईजी था ये क्वेश्चन। अचेतन में दमित इच्छाएं ही व्यवहार को निर्देशित करती हैं। तो जब भी बात आए सप्रेस्ड की, कि भाई ऐसी बातें हैं अनकॉन्शियस माइंड की, कॉन्शियस माइंड की, सब या प्री कॉन्शियस माइंड की, इड की, ईगो की, इन सब के एक ही लोग के नाम आएंगे, जो हैं फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, ठीक। एसटीएम की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 10 सेकेंड तक। हालांकि ये माना जाता है आपका जो है 15 से 30 सेकेंड। कितना माना जाता है? 15 से 30 सेकेंड। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में एक्यूरेट 15 से 30 दिया तब तो ठीक है, नहीं तो इसलिए मैंने लोअर लिमिट को यहाँ पर चूज़ किया है। 30 सेकेंड तक रहती है, तो ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन मिनिमम जो है 15 से 30, 15 से कम भी रहती है। कुछ कुछ किताबें में आपको 4 से 5 सेकेंड भी देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मैंने 10 सेकेंड्स को यहाँ पर काउंट किया है। साइकोलॉजी इज़ मोस्टली यूज इन विच फील्ड? तो साइकोलॉजी का तो भाई हम हर फील्ड में प्रयोग करते, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, परामर्श हो, चिकित्सा हो। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट को कब शुरुआत की गई थी? तो ये आपके पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान शुरू किया गया था। पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था भाई? 1914 से लेकर 1918 के बीच में, इसी के दौरान आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट की शुरुआत की गई थी। बर्थ मोटिवेशन का क्या मतलब है? तो देखिए, बर्थ मोटिवेशन मतलब जो जन्मजात अभिप्रेरणा है आपके अंदर, जिसको हम इनबॉर्न मोटिव भी कहते हैं। तो ये आपके प्राइमरी मोटिवेशन होता है, बायोलॉजिकल मोटिवेशन होता है, या फिजिकल मोटिवेशन होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रत्यय अभिप्रेरणात्मक चक्र का तत्व नहीं है? तो मैंने आपको बार बार बताया है कि भाई मोटिवेशन साइकिल की बात करें तो मोटिवेशन साइकिल में NDG कौन है? वो NDG साइकिल। NDG साइकिल क्या है? नीड, ड्राइव, गोल या फिर इंसेंटिव होता है, तो NDG साइकिल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। गोल या इंसेंटिव एक ही चीज़ है, तो NDG साइकिल। तो NDG या आई इंसेंटिव देखिए लिखा हुआ है, बस बचा कौन? एक्टिविटी। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा आपसे गलत है। फ्लूडोर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ये टाइप दिया था कैटल ने, रेमंड बर्नार्ड कैटल, वही कैटल जिनका 16 PF टेस्ट है। इन्होंने ही दो प्रकार के इंटेलिजेंस के उसमें थियरी में दिया था, एक फ्लूड इंटेलिजेंस और एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्लियर है। ट्रायल एंड एरर थियरी थॉर्नडाइक, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा बनाया गया? विलहेल्म वुंड के द्वारा। देखिए सारे क्वेश्चन अब रिपीटेड आ रहे हैं। परसोना किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया परसोना इज अ लैटिन वर्ड जो कि पर्सनालिटी को बताता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज एट लीस्ट सस्टेबल टू फॉरगेटिंग? किस प्रकार की स्मृति में विस्मरण की संभावना न्यूनतम होती है? एपिसोडिक मेमोरी, क्योंकि वो जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के आपको याद होगा। अगर आप अभी 20, 22, 25 जितने भी साल के हैं आप देखेंगे तो बचपन में भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ इंसिडेंट हैं जो आपके जो पटल रेखा है उस पर एकदम मतलब हूबहू दिख रहे होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं ये चीज़ें अभी भी हैं। तो वो कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो आपके LTM में चले जाते हैं। अभी LTM कौन है भाई? लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, ठीक है।
द ऑर्गेनिज्म रिसीवर रेनफोर्समेंट व्हेन इट लर्न्स टू गिव अ सर्टेन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स दिस इज टर्म एज. जब जीव प्रबलन तभी प्राप्त होता है जब वह निश्चित प्रत्याशित अनुक्रिया देना सीखता है. तो ये क्लासिकल सॉरी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्किनर के अंदर. स्किनर की थियरी जो है वो रिस्पॉन्स आर एस थियरी है कि पहले वो रिस्पॉन्स करेगा और जब तक रिस्पॉन्स करेगा तब तक जब तक कि कुछ ना कुछ मतलब जो हम चाहते हैं वैसा वो रिस्पॉन्स ना करे. अगर हम चाहते हैं लीवर दबा के खाना ले तो जब तक वो लीवर नहीं दबाएगा तब तक उसको स्टिमुलस प्रोवाइड यहाँ पर नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो ये किसका है आपका स्किनर का, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं. ठीक, इकोइक मेमोरी ऑडिटरी होता है ये मैंने बताया है. इकोइक है तो ये ऑडिटरी, इको का मतलब क्या होता है आवाज़ का गूंजना. जैसे पहाड़ों पे जब आप बोलते हैं तो देखते हैं आवाज़ दो तीन बार रिपीट होकर आती है, उसी को इको कहते हैं. तो ये सुनने से संबंधित है ऑडिटरी. अगर यही आइकोनिक कह देगा आइकॉनिक तो ये विजुअल हो जाएगा देखने से संबंधित. ठीक, टू फैक्टर थियरी कौन दिया है स्पीयरमैन. वन फैक्टर थियरी किसने दिया है बिने ने. मल्टी फैक्टर थियरी किसने दिया है गार्डनर ने. कॉन्सेप्ट ऑफ इरोज और थैनाटोज. इरोज लाइफ इंस्टिंक्ट को कहते हैं और थैनाटोज आपके डेथ इंस्टिंक्ट को कहते हैं. ये जो है फ्राइड का ही कॉन्सेप्ट है. किसका कॉन्सेप्ट है फ्राइड. फ्राइड का लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है भाई. फ्राइड ने इड ईगो सुपर ईगो हो कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस हो ओरल अनल फैलिक लेटेंसी जेनिटल जो पांच स्टेज है ये भी फ्राइड का है. साथ में कुछ इंस्टिंक्ट और एंग्जाइटी को भी बताया इन्होंने और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को भी बताया. ये पूरी की पूरी उनकी थियरी बहुत ब्रॉड है. ठीक, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट इरोज और थैनाटोस कॉन्सेप्ट किसने दिया है सिगमंड फ्राइड ने. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल मूवमेंट्स. मूवमेंट के लिए कौन है भाई सेरेबेलम. सेरेबेलम अगर आपको याद हो तो सेरेबेलम के लिए हमने याद किया है PEM. कौन है ये PEM. P से पोस्चर, E से इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन, M से मूवमेंट. देखिए मूवमेंट दिया है कि नहीं, बस मार दीजिए टिक्सी पे. Not a defense mechanism. Regression, repression, sublimation, aggression defense mechanism में नहीं आता है. ठीक, देखिए aggression इसमें नहीं आता है. Aggression का मतलब आक्रामकता. अब वो हो सकता है कभी कभी physically हो कभी कभी न भी हो. देखिए ego defense mechanism का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके normal day to day life में चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसके लिए कुछ alternate तरीका ढूंढना. इसमें जैसे हम displacement ला सकते हैं, projection देखते हैं, sublimation देखते हैं, regression, repression, ये सारी चीज़ें आपकी ego defense mechanism में आती हैं. एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है पैवलव ने. किसने दिया है पैवलव. एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन है पैवलव, इवान पैवलव. थ्रस्ट. थ्रस्ट क्या है भाई. थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ. तो देखिए थ्रस्ट क्या है, साइक्लिक नीड है, नॉन साइक्लिक नीड है या फिर स्पेसिफिक नीड है या कॉमन नीड है. देखिए ये एक सामान्य जो है आपकी आवश्यकता है. सामान्य क्यों है क्योंकि ये सबको ही होती है. ठीक, ये आपकी जो है सबको विशिष्ट कब होती, जब कुछ ही लोगों को चाहिए होती. कि जैसे मान लीजिए मनी अगर इंसेंटिव देखे तो कुछ लोगों को ही पैसा पसंद है या बहुत लोगों को नहीं भी पसंद है. तो वो कुछ जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे तो वो विशिष्ट होगा. बट थ्रस्ट तो प्यास के बिना पानी के बिना कोई कैसे रह सकता है. तो आपके कुछ जो है बेसिक नीड्स हैं जिसको बायोलॉजी नीड, जैसे नीड आपका हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, सेक्स हो गया, ये सारी चीजें आपके बेसिक में आती हैं. ठीक, द ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी. देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है ऑपरेंट कंडीशनिंग कहे तो आंख बंद करके स्किनर, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहे तो आंख बंद करके स्किनर. और अगर आपसे कह दे कि जैसे पैवलव का तो अगर क्लासिकल कह दे तो वो पैवलव हो जाएगा. अल्पोर्ट सेट द इंटीग्रेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेट. ठीक, तो शील गुणों के समन्वय और समग्रता संगतता का अल्पोर्ट ने क्या कहा है कि प्रवृत्ति आइडेंटिटी प्रोपियम या फिर प्रतिमा. तो ये अपनापन है. ठीक है, अल्पोर्ट ने कहा है कि जो ट्रेड्स होते हैं जो हमारे अंदर है वो क्या है, वो अपनापन प्रोपियम. विच हु हैज़ क्लासीफाई इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को क्लासीफाई करने वाले हैं जंग. कौन है जंग, अल्पोर्ट की है ट्रेड थियरी. ठीक है, फ्राइड का तो अभी बताया मैंने, एडलर नियो फ्राइडियन है. साइको एनालिटिक थियरी किसकी है, फ्राइड की ही है. साइको सेक्सुअल थियरी भी कहते हैं इसका दूसरा नाम. सेल्फ थियरी किसने दिया है, कार्ल रोजर ने. इंडिविजुअल थियरी किसने दिया है, कार्ल रोजर ने. पर्सन सेंटर थियरी किसने दिया है, कार्ल रोजर ने. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसका है, कार्ल रोजर का. क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल. फर्स्ट स्टेज आपका मोटिवेशनल साइकिल का क्या होता है. देखिए ये अभी मैंने आपको बताया है NDG. जब भी मोटिवेशन साइकिल की बात करें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, NDG साइकिल. नीड होगा तभी ड्राइव होगा तभी आप गोल पे आएंगे. तो यहाँ देखिए ड्राइव दूसरा दिया है, गोल इंसेंटिव एक ही बात होता है, नीड दिया ही नहीं. तो इसका सही ऑप्शन होगा नन ऑफ डीज.
क्लियर है? हु प्रपोज द जी फैक्टर थियरी? जी फैक्टर थियरी किसने दिया है? स्फीयर मैन। स्फीयर का टू फैक्टर थियरी है जिसमें उन्होंने जी जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी की बात की थी। इन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर फियर आर प्रिंसिपल साइंस। जो फियर है वो क्या है? आपके प्रिंसिपल साइन है भय। तो ये क्या है? पैरानोइया डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाइपोलर। तो एंग्जाइटी बिल्कुल सही है, क्योंकि एंग्जाइटी के जो आप देखेंगे तो वहाँ पे चार चीज़ें होती हैं बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका फियर होता है, फियर। दूसरा आपका एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसेप्शन, मतलब कि आपका आशंका जिसको हम कहते हैं फियर, एप्रिसेप्शन। इसके साथ में जो है जो इमोशंस होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग इमोशंस होते हैं, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग इमोशंस होते हैं, इस प्रकार से होता है। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर इसका सही है, ठीक। विच टाइप ऑफ मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मेमोरी लेन? मेमोरी लेन मतलब कि अतीत को याद करना। जब भी आप अतीत की बात करेंगे तो ये एपिसोडिक मेमोरी में आता है, जो पर्टिकुलर कुछ इंसिडेंट्स, एपिसोडिक हमेशा पुरानी बातों को, जैसे एपिसोड बीत गया तो पुरानी बातों से संबंधित होता है, ठीक। हु प्रपोज द क्लासिकल कंडीशनिंग? पैवलव। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पैवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक की थियरी से क्वेश्चन आया है। पहला स्टेज, स्टेज मैंने बताया है, लाइन्स आपको पढ़ना है, ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। साथ में बोलिए ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। तो ओरल स्टेज इसका जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओरल, ठीक। हु डिस्क्राइब स्पेशल इंटेलिजेंस एज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? तो स्पेशल इंटेलिजेंस किसका है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत आठ प्रकार से है, इसमें कई आठ प्रकार के आते हैं, जैसे कि आपका स्पेशल बुद्धि हो गया, स्पेशल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसके साथ बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हो गया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक। तो छह मैंने बता दिए, दो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, दो और इंटेलिजेंस है जो कि इससे संबंधित आपका होता है। नैतिक विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। द नेम क्लोजली एसोसिएटेड विथ मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट थियरी किसकी है? लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थियरी है, क्लियर है। इफ मेंटल एज ऑफ अ पर्सन इज ग्रेटर देन हिज और हर क्रॉनिकल एज। अभी मैंने आपको समझाया था कि एमए क्या होता है, सीए क्या होता है, और बाकी तो आपको पता है 100 का तो कोई रोल नहीं है। मेंटल एज, अब ये कह रहा है, ध्यान से समझिए, मेंटल एज क्या है? ज़्यादा है, मतलब अगर वो बच्चा 7 साल का है तो उसकी एज मान लीजिए 10 साल के बच्चे की है। देन आईक्यू ऑफ द पर्सन विल बी, तो उसका आईक्यू 100 से ज़्यादा होगा। क्यों 100 से ज़्यादा होगा? इसका मतलब है कि वो बच्चा एवरेज बच्चे से ज़्यादा है। और एवरेज आईक्यू कितनी होती है? 9 से 109। कैसे पता एवरेज से ज़्यादा हो गया बच्चा? कैसे पता चला मुझे? तो पता ऐसे चला क्योंकि अगर बच्चा क्लास 6 का है और वो क्लास 8-9 के सम कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो एवरेज बच्चे, अपने क्लास के अन्य बच्चों की तुलना में उसका दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा है। तो इसका मतलब जब एवरेज से ज़्यादा हुआ तो एवरेज का आईक्यू कितना होता है? 90 से 109। तो इसका मतलब 100 से ज़्यादा उसका जो है आईक्यू होगा, क्लियर है। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी रखना क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कहते हैं हम एसिमिलेशन, मतलब आपके पास पहले से कोई चीज़ है, अब उसमें आप और चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसका आंसर आपको पहले पता होगा, बस आपने रटा होगा, याद होगा, बट आज आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट समझ में आया या उससे रिलेटेड 2-3 और फैक्ट समझ में आए, तो पहले से आपके पास वो ज्ञान था कि 1879 में हुआ था, आज उसमें और कुछ नया जुड़ गया, तो ये एसिमिलेशन की प्रक्रिया है। ऐसे याद रखेंगे, याद रह जाएगा, ठीक है। मोरालिटी बेस्ड ऑन रूल्स एस्टेब्लिश बाई अदर, ऐसे मतलब दूसरों द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित नैतिकता को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस मोरालिटी, हेट्रोनॉमस मोरालिटी या मोरल इक्वालिटी? तो ये आपका जो है क्या है? हेट्रोनॉमस मोरालिटी, क्योंकि ऑटोनॉमस का होता है जब आपका खुद का होता है, पर ये तो दूसरे का है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हेट्रोनॉमस मोरालिटी, क्लियर है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में देखिए हम FFOE पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी जब भी बात आए तो यहाँ पे फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलैबोरेशन चार चीज़ें होती हैं FFOE क्रिएटिविटी में। क्या क्या है? आपका लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी होता है आपका, ओरिजिनलिटी मौलिकता होती है, और एलैबोरेशन होता है, ठीक है। बट इसमें पंक्चुअलिटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। Which of the following was not a type of intelligence in Gardner theory? Perceptual intelligence जैसी कोई चीज़ नहीं दी है, बाकी linguistic है सही, musical सही है, logical, mathematical intelligence सही है, ठीक है। Perceptual आपका एकदम सही है, क्लियर है, perceptual intelligence एकदम सही है।
मैस्लो हायरार्की में नीड थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे क्या है आपका लव एंड बिलोंगिंग ने, सबसे पहले जो बेसिक एकदम नीचे आएगा फिजियोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद आपका सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम और सबसे आखिरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। पांच ये जो होते हैं, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस बीचों बीच में आता है, ठीक है, प्रेम और लगाव की जो अवस्था है। पावलोव में प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या है, तो घंटी की आवाज़ आपकी कंडीशनड स्टिमुलस है। याद कैसे रहेगा, तो देखिए याद ऐसे रहेगा कि जो आपका बेल है उसके साथ ही कंडीशनिंग करानी है, किसका, उद्दीपक का। उद्दीपक कौन है, भोजन, ठीक है, कंडीशनिंग करानी है किसका, भोजन का, सी एस कंडीशनड स्टिमुलस है, क्लियर है। विच हार्मोन्स इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं, तो ये आपका एडरलीन है। कौन है, एडरलीन। एडर्नल हार्मोन्स पे जो है कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करता है, जब आपके पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके बॉडी से रिलीज होता है ना, तो एडर्नल ग्लैंड जो है कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है, किसको रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, पूछा हुआ पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। और एडरलीन हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स या फिर इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज यूज टू नो द वेरिएबल और डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, तो फैक्टर एनालिसिस किसका है, ये 16P ऑफ कैटल का है, ठीक, जिससे हम पर्सनालिटी के डायमेंशन को जान सकते हैं। आलपोर्ट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट, तो सेंट्रल, कार्डिनल, सेकेंडरी, ये सब जो है कैटल, सॉरी आलपोर्ट ने दिया है, बट रेशनल ट्रेट जैसी कोई भी बात कैटल, आलपोर्ट ने यहाँ पर नहीं की है, ठीक है। तो केंद्रीय लक्षण, प्रमुख लक्षण, गौर लक्षण इनकी बात किया है आलपोर्ट ने, लेकिन तो रेशनल ट्रेट जैसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द फाउंडेशन स्टोन इज द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, ये स्टेटमेंट दिया है स्किनर ने, किसने दिया है, स्किनर ने, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ऐसे याद कर लीजिए। विच, हु डिड द फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द बिने इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडियन कंडीशन, तो C.H. राइस जो हैं इन्होंने सबसे पहला जैसा बिने ने किया था उसको भारतीय परिपेक्ष के अकॉर्डिंग चेंज करके किया, तो ये कौन था, C.H. राइस, राइस ने सबसे पहले जो है इसको चेंज करके किया था। एक छात्र परीक्षा में असफल होने पर अपनी असफलता का कारण प्रश्न पत्र के गलत ढंग से बने होने को मानता है, तो ये क्या है, तो ये आपका प्रक्षेपण है, ये भी आपके क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, प्रक्षेपण, जिसको अंग्रेजी में प्रोजेक्शन कहेंगे, क्योंकि उसको अपनी गलती नहीं दिख रही है बल्कि क्वेश्चन वाला टेढ़ा, जैसे हम कहते हैं नाच ना आंगे तो आंगन टेढ़ा, ये वही वाला हाल है, ये भी प्रोजेक्शन के अंतर्गत ही उपयोग किया जाने वाला प्रोवर्ब है, ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर आपके पूरे टोटल जो है 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा और जो सॉल्यूशन हमने बताया है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।